अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस के जेड फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ, इसमें मैं आपको क्लिनजिंग मिल्क बनाने का तरीका बताऊँगी कि किस तरीके से आप घर में ही बहुत ही नेचुरल चीज़ों से क्लिनजिंग मिल्क बना कर यूज़ कर सकते हैं, ख़ास तौर पर विंटर सीज़न में। क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों के सीज़न में तो जो हम लोग कोई भी फेशियल वगैरह नहीं करवाते या ब्लीच वगैरह इतनी नहीं करवाते कि सर्दी हमें बहुत लगती है जी, कि ठंडी ठंडी चीज़ें लगती हैं फेस पे, तो हम लोग घबराते हैं कोई भी काम करने से। तो ये इजीली आप घर में बना के तो यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, तो मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, देखिए, इसमें सबसे पहले हमने कच्चा दूध लिया है, रॉ मिल्क। इसमें हम अब हाफ लेमन का यूज़ कर रहे हैं। हाफ लेमन इसमें हम पूरा निचोड़ देंगे अच्छे तरीके से, और फिर इसको 10 मिनट के लिए इसको एक साइड पर रख देंगे, और 10 मिनट के बाद हमने इसको यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, आपने जब भी ये क्लिनजिंग मिल्क बनाना है तो ताज़ा बनाना है, मतलब वही पड़ा हुआ आपने यूज़ नहीं करना। आपने जब भी करनी है क्लिनजिंग, तो आप थोड़ा सा दूध लें, उसमें लेमन जूस ऐड करें, मतलब ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच दूध के हैं, और बीच में मैंने हाफ लेमन डाला है। तो आप इससे कम मिकदार या ज़्यादा मिकदार करेंगे तो आप उस हिसाब से बीच में लेमन ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, इसको 10 मिनट के लिए मैं स्ट्रेन करूँगी, और इसके बाद फिर आपको दिखाऊँगी 10 मिनट के बाद कि इसकी क्या कंसिस्टेंसी होती है, तो किस तरीके से हमने इसको यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, 10 मिनट के बाद ये कुछ इस तरीके से हो गया है। तो आपको पता तो होगा ही कि दूध में अगर हम सिरका डालें या फिर लेमन डालें तो वो फट जाता है, क्योंकि दूध से इन चीज़ों को दूर रखना चाहिए, या दही डालें। तो ये देखें, इस तरीके का हमें चाहिए दूध। तो फिर हमने इसके साथ अच्छे तरीके से क्लिनजिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, ये एकदम नेचुरल चीज़ है, तो इससे आपके जो फेस पे जितनी भी डस्ट होगी, जो भी मैल कुचैल होगी, सारी उतर जाएगी। ये आप खुद ही देखेंगे, मैं आपको ये ऐसे करके तो स्पंज से साफ़ करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपने इसी तरीके से पूरे फेस पे, बॉडी पे, जहाँ भी आप क्लिनजिंग करना चाहते हैं, ब्लैक पार्ट्स हैं आपके, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि इससे जो है कुदरती तौर पे ये लेमन में ब्लीचिंग इफेक्ट्स होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हम लोग को। तो ये आप यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही भी मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। तो ये देखें, इस तरीके से आपने 10 से 15 मिनट के लिए मसाज करते रहना है अपने फेस पर। 10-15 मिनट के बाद आपने इसको, या फिर आप अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें, तो या फिर आप स्पंज के साथ साफ़ कर लें। तो फिर बाद में आप कोई ब्लीच लगाना चाहते हैं, या फिर आप कोई वैसे ही मॉइस्चराइज़र लगाना चाहते हैं, वो लगा लें। नहीं तो आप बाकी आगे का जो होता है क्लिनजिंग के बाद स्क्रबिंग होती है, वो कर लें। तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि किस तरीके से आपने करना है। तो ये देखें, तकरीबन मैंने 2-3 मिनट किया है, आपने 10 मिनट करना है। तो अब मैं आपको इसको साफ़ करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखें, इसके साथ अच्छे तरीके से मैं साफ़ करूँगी, तो आपको मैं दोनों अपने हैंड्स दिखाऊँगी, तो इसमें आप डिफरेंस खुद देख लीजिएगा कि इसमें वाकई मैं झूठ नहीं कह रही, सच कह रही हूँ। आपके सामने मैंने करके दिखाया है कि ये इसका कितना फ़ायदा है। तो ये अभी मैंने 2 मिनट किया, तो इसके कितना रिज़ल्ट मिला। तो अगर मैं ज़्यादा मिनट करती तो इसका और भी अच्छा रिज़ल्ट मिला था। ये देखें, तो इससे आपकी स्किन सॉफ्ट भी होगी, क्योंकि मिल्क जो है वो हमारी स्किन को मिल्की टाइप बना देगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी वीडियो। आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।